बात आपके सीधे नफे नुकसान की, आपकी इनकम से जुड़े रुझान की। मोदी सरकार कल संसद में अपने तीसरे टर्म का पहला बजट लाने जा रही है। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार सातवां बजट पेश करेंगे। सरकार का बजट रुझान एक तरह से आर्थिक सर्वेक्षण में दिख जाता है, जो आज वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया है। पूरे देश की नजर है कि बदले सियासी नतीजों के बाद क्या सरकार की आर्थिक नीतियों में कोई फेरबदल होने वाला है। क्या मोदी सरकार आर्थिक सुधार पर पहले की तरह कठोर फैसले लेगी, या फिर गठबंधन की मजबूरी में कुछ नरमी भी दिखाई पड़ेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल के बजट को लेकर कुछ संकेत दिए। इसमें मोदी का सियासी अंदाज भी था। उन्होंने साफ कर दिया कि विपक्ष ना तो संसद को चलने से रोक पाएगा, न सरकार को बड़े फैसले लेने से रोक पाएगा। पहले दिखाते हैं आपको कि आर्थिक सर्वेक्षण की हाइलाइट्स क्या हैं और आर्थिक सर्वे में क्या कहा गया, तो जानिए जरा। आर्थिक सर्वे में कहा गया कि भारत बीते वर्ष सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहा है। देश की जीडीपी ग्रोथ चालू वित्त वर्ष 2023-2024 में 8.2% रही है। वर्ष 2024-2025 में जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने की का अनुमान है। महंगाई दर 5.4 से घटकर इस वर्ष 4.5% रहने का अनुमान है। बेरोजगारी दर 3.2% पर आ चुकी है, इसमें और गिरावट का अनुमान है। वित्त वर्ष में कृषि को ग्रोथ इंजन बनाने पर मुख्य फोकस रहेगा। वर्ष 2025 में एनआरआई द्वारा $129 अरब आने का अनुमान है। अनुमान यह कि बजट में सरकार आयुष्मान योजना और नई पेंशन स्कीम पर बड़े ऐलान कर सकती है। आयुष्मान के दायरे में 70 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों को लाना चुनावी वायदा भी था। अब सुनिए जरा कि बजट सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री ने विपक्ष को क्या नसीहत दी और क्यों कहा कि वो उनका गला नहीं घोट पाएगा, और कौन सा खेल 2029 तक रोक देने के लिए कहा। मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए, वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलौकिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है, और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। Z News।